1 अप्रैल 2025 से भारत की सारी गाड़ियों में रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर अलार्म मैंडेटरी कर दिया जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट के निर्देश से ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अलार्म मैंडेटरी है। हालांकि पीछे बैठे पैसेंजर्स का सीट बेल्ट ना लगाने पर मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत 1,000 रुपए का फाइन है। पर कितने ही लोगों को इस रूल के बारे में पता है और कितने ही चालान कटते हैं इस पर। रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर अलार्म लगाने के लिए कार मेकर्स को 6 महीने का समय दिया गया है। कम्प्लाई ना करने पर हैवी फाइन्स होंगे। अभी कुछ ही महीने पहले मिनिस्ट्री ने 3-point सीट बेल्ट और 6 एयरबैग्स मैंडेटरी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको बाद में रिपील कर दिया गया। एक्चुअली ये नए सेफ्टी मैंडेट्स का रोल आउट सितंबर में हुए टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन लेट साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बाद हुआ, जहां इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि पीछे बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। आपका क्या ओपिनियन है इस मैंडेटरी रियर सीट बेल्ट अलार्म पे, कमेंट से बताएं। और अगर आपके जान पहचान में पीछे बैठ के कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें।